हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शासन के आदेश पर बुलंदशहर जिला कारागार से 7 साल के दंडनीय आपराधिक मामलों में विचाराधीन 135 बंदियों को रिहा किया गया है। कोरोना वायरस के खतरे के चलते अंतरिम जमानत पर विचाराधीन 135 बंदियों को 2 माह के लिए रिहाई दे दी गई है। सरकार के आदेश के बाद जिला कारागार में जिला न्यायाधीश नीलकंठ सहाय द्वारा कोर्ट कारागार में बैठी थी, जहां इन सभी 135 बंदियों को जमानत पर 2 माह के लिए रिहा किया गया। आपको बता दें कि सरकार ने यह फैसला बंदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लिया है। कारागार से रिहा होने वाले सभी बंदी सरकार का बेहद शुक्रिया अदा करते नजर आए। हाँ जी, आइसोलेट करेंगे 14 दिन के लिए कम से कम, और ये कोरोना वायरस की वजह से हमें छोड़ा गया है। अपने परिवार की भी रक्षा करेंगे, और पूरा जो मोदी जी ने हमारे पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकआउट करा था, उसका पूरा पालन करें। आगे को हुआ था, आगे का भी उसका पूरा पालन करा जाएगा। चेल कारागार ने हमें इसीलिए छोड़ा गया कि अपने परिवार को और अपना भी ध्यान रखें, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। बंदियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन लॉकडाउन में पूरी तरह वे सरकार का साथ देंगे। बंदियों ने बताया कि वे अपने अपने गांव जाकर लोगों को कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए जागरूक करेंगे। जिला जेल अधीक्षक ओपी कटियार के मुताबिक सभी 135 बंदियों को 8 सप्ताह की पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में 7 साल तक की सजा वाली धाराओं में निरुद्ध बंदियों को कारागार से इंटरिम बेल पर छोड़े जाने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में आज माननीय जजेस द्वारा 7 साल तक की धाराओं में कारागार निरुद्ध बंदियों को रिहा किया गया है, जिसमें से 135 बंदी आज रिहा किए गए हैं। कुल बंदी 201 हैं, जो और कल या परसों जब न्यायालय यहां लगेगा तो न्यायालय द्वारा उनको भी रिहा करने के आदेश दे दिए जाएंगे। ये बंदी आठ सप्ताह की इंटरिम बेल पर मुक्त किए जा रहे हैं। 8 सप्ताह बाद इनको अपने अपने न्यायालय में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और ये कारागार में दोबारा वापस आ जाएंगे। इन बंदियों को कारागार से रिहा करके और इनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन बुलंदशहर द्वारा की गई है। जिला प्रशासन बुलंदशहर द्वारा 2 रोडवेज बसें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके माध्यम से इनको इनके अपने अपने पते पर घर तक पहुंचा दिया जाएगा। आठ सप्ताह बाद सभी बंदियों को न्यायालय में पेश होना होगा। जिला प्रशासन द्वारा 2 रोडवेज बसों का भी इंतजाम किया गया है, जिससे कि बंदी अपने आप घर तक पहुंच सके। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।